निजामुद्दीन जी, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ जी सचिव एआईसी चुके हैं, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ लोकल जो जिले के विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, चंदेलिया जी, डॉक्टर चेतन सिंह जी, श्रवण कुमार जी पूर्व विधायक, और जिला अध्यक्ष दिनेश सूडा जी, और हमारे प्रत्याशी भगवान राम सैनी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रियंका गांधी जी आज आई यहाँ पर अड़ावता के अंदर। अड़ावता का नाम इतिहास में अलग स्थान रखता है। भोला साहब के बारे में अभी बहुत कुछ बातें कही गई, आप बताइए 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, देश में कितने लोग रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले, फौज में रहे थे जवानी के अंदर, अड़ावता में सरपंच बने 48 के अंदर, कल्पना कीजिए। और 52 में जो पालिका शिक्षा का बीड़ा उठाया, जो आर्यभट्ट पक्ष बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ओला जी को 68 के अंदर जब पद्मश्री मिली थी, हम लोग छात्र थे उस जमाने के अंदर, मैं कुछ छात्र था, पढ़ते थे शीशा ओला नाम का एक फौजी, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया झुन्नू के लिए, समाज के लिए, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, तो कितनी खुशी हुई होगी प्रदेशवासियों को। वहाँ से शुरुआत करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी प्रियंका जी को आप सुनेंगे, हम चाहेंगे कि हम तो रोज बोलते रहते हैं, आप लाइव देखते होंगे, सुनते होंगे, प्रियंका जी का 3री बार आना हुआ है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। निवाई में आई पहले वो, चिक्रा में आई हैं, अब अड़ावता की ऐतिहासिक भूमि पर आई है, जहाँ ओला साहब की मूर्ति का अनावरण आपके कार्यक्रमों से हुआ है। ये मुबारक मौका भी हमारे लिए, मुबारक मौका होता है, ओला साहब हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख तो हमेशा रहता है, पर उनकी मूर्ति लगी है, जैसे कि शहीद की मूर्ति लगती है, महापुरुष की लगती है, तो क्यों लगती मूर्ति, इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ियाँ देखे मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और प्रेरणा देता है। नौजवान भी जीवन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ करके गुजरना है, इतनी मूर्ति लगती है। या इस कैंपस के अंदर पंडित जी की मूर्ति है, जवाहरलाल जी की मूर्ति है, राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, आप सोच सकते हैं कि ओला साहब का पूरा परिवार गांधी परिवार के लिए समर्पित रहा है, बचपन से ही समर्पित रहा है। ये झलक मिलती है प्रेरणा ओला जी के अंदर भी, बहुत की सादगी के साथ रहते हैं। ये मेरे बार 2री बार मंत्री बने मेरे साथ में, जब पहली बार मंत्री पिछली बार था तभी मेरे मंत्री थे, मैंने इनको काम से नजदीक से देखा है किस प्रकार से ये अपना काम संभालते हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। इस मुबारक मौके पर अभी आपने देखा ज्वाइनिंग हुई है पार्टी के अंदर, ममता शर्मा जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं, शोभा रानी कुशवाहा जी अभी बीजेपी के विधायक हैं धौलपुर से, डॉक्टर विकास चौधरी जी जो हमारे बीजेपी के नेता हैं किशनगढ़ से, और इंद्रनाथ चौधरी, इंद्रनाथ शर्मा जो हमारा नौजवान साथी बूंदी से। ये आप मैसेज है प्रदेश के अंदर, जो सरकार ने काम किए राजस्थान के अंदर, जिसका जिक्र बार बार हमारे सब वक्ता करते हैं, आप सब झुन्नू जिले के लोग हैं, झुन्नू जिला आज़ादी के पहले से वो जिला देश के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव पहले से रहा है, यहाँ के जो बड़े बड़े बांगर, बिरला, गोयनकार, सिंगानिया, जो भी बड़ी हस्ती हुई है, जमुना बाजार जो गांधी जी के साथ थे, वृद्धाश्रम, सेवाग्राम आश्रम बनाए उन्होंने, AICC के कोषाध्यक्ष थे, तो इस शेखावटी ने क्या नहीं दिया देश को, कांग्रेस को, घनश्याम दास बिरला गांधी जी के
साथ खड़े रहे आजादी की जंग के अंदर। आज भी वो लोग देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। शिक्षा के अंदर भी बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस, जो कॉलेज हम बनाते आए मैं देखता हूँ वैसी कॉलेज तो स्कूल बनी हुई आपके यहाँ पर सजावट है, नवलगढ़ हो चाहे वो और कोई क्षेत्र हो। यहाँ कमला बनीवाल जी जैसी, सुमिता सिंह जी जैसी लड़कियों उस जमाने की वनस्थली में जाके पढ़ी है, इसका मतलब आपके जो पूर्व थे उन्होंने भी शिक्षा पे ध्यान दिया। और मेरा भी मानना है बिना शिक्षा जीवन में अंधेरा है। आज शिक्षण संस्थान बैठे हुए हैं, हमारी सरकार की लंबी फहरिस्त है कि हमने क्या क्या शिक्षा के लिए किया है। 70 साल में कॉलेज खोले 250, और मैंने 5 साल में कॉलेज खोल दिए 310 कॉलेज। उनमें 130 लड़कियों को लिए गर्ल्स कॉलेज है। बोला साहब बैठे हैं पूछो, मैंने कह रखा था सब MLAs को तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कहानी करके दिखाया। शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य सेवा में तुमने कीर्तिमान स्थापित किए, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। दुर्घटना बीमा, महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी आप लोगों को, वो गारंटी खाली दी नहीं है, लागू भी कर दिया। और पेंशन राजस्थान वो राज्य है जहाँ 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःसज्जनों को पेंशन मिलती है, पति पत्नी 2000 मिलती है प्रति माह। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर, ये सरकार का दायित्व है। और महंगाई का दौर है, राहुल गांधी जी यात्रा थी बाल जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत का समाज के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही, नहीं बढ़नी चाहिए। पूरे गर्व कहते हुए कि मेरी सरकार का बजट जो आया है वो 4 मुद्दों को लेके आया है। 3 लाख नौकरी है, अधिकांश नौकरी मिल चुकी है। महंगे राज शिविर में जो जो हमने फैसले किए, चाहे बिजली को लेके हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, अलग बजट किसानों के लिए हिंदुस्तान में कहाँ पे, नंबर 1 राजस्थान है जहाँ पर मैंने शुरुआत करी, उसके बाद तमिलनाडु में शुरुआत करी, अलग बजट किसानों के लिए। आप तो किसान बैठे हुए हो, काले कानून की बात अभी 2-3 साल नहीं की आपको हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा, किसानों के सामने भूलना नहीं चाहिए, काले कानून वापस लेने पड़े उनको। इतने में कहना चाहूँगा, एक के बढ़ के एक हमने फैसले किए थे, इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं वो भी राजस्थान चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते हैं गायों की भी, मंदिरों की भी, निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, जो पुजारी उनका मानदेय बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर, गायों का विभाग अलग बना दिया हम लोगों ने। लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप बैठे होंगे लोग, 40,000 रुपये प्रति गाय मैंने पेमेंट करवाया है। लंपी रोग की गाय मर गई थी, गाय माने तरह तरह की मरी थी उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते। और आगे काम दिनों योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का भी 40,000 का बीमा रहेगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए वो आपके सामने हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो कहा 500 रुपये में सिलेंडर, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा, हमने दिया 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया है। आप सोच सकते हैं कि सारे हमारे फैसले पानी हो चाहे बिजली की जनरेशन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर, शानदार सड़कों वाला राजस्थान है आज। नेशनल हाईवेज के अलावा भी स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स बन रहे, गाँव में रोड बना रहे हम लोग। इसलिए सोशल सिक्योरिटी सहित जो काम हम कर रहे हैं उनकी अलग पहचान बनी है। और हमने कहा है महिला हमारी टारगेट है, इस प्रकार ये सशक्तिकरण हो। राजीव गांधी जी ने पहली बार
73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। यूपी गवर्नमेंट ला चुकी थी कानून, 1-6 दिन पास हो गया था, तो पास नहीं हो पाया बाद में। अब वो कानून भी पास होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और हम लोग स्मार्टफोन, और महिलाएं जो है वो भी गांव में जाओ, ढाणे में जाओ, महिलाएं मोबाइल से बात करती है, उनकी बच्चियां पढ़ती हैं मोबाइल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ती है, वो ऑनलाइन पढ़ती है। एक महिला अपने पति से बात कर सकती है, माँ बेटे से बात कर सकती है, चाहे वो विदेश में रहे या कहीं रहे। ये क्रांति है, ये क्रांति कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए थे, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है राजधा के अंदर, इस कैंपर के अंदर। उस पर लोग समझ नहीं पाए कि राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, 21st सेंचुरी की बात करते थे। अब मालूम पड़ा राजीव गांधी क्या चाहते हैं, जब आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं आ गई, दुनिया भर से आप जुड़ चुके हो। एक क्रांति है, एक क्रांति है जिसको आप देख रहे हो अपने और अनुभव कर रहे हो आप। नॉलेज इज पावर, ये नॉलेज इज पावर का एक आपके हथियार है हाथ के अंदर, जितना ज्ञान होगा उतना पावरफुल आप है। इतने इस प्रकार के फैसले हुए हैं जो आपके सामने हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है, इनकी तो दकियानुषी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम के लोगों को भड़काने वाली नहीं है, इनकी तो फासी सी सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, CBI से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग, ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको। और धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हालात बड़े गंभीर है, हमने तय कर रखा है, हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, 90% पूरा किया, घोषणा पत्र हमारा, हमने महंगे राष्ट्र में 10 आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए हैं, काली कहा नहीं है, लागू भी हो गए हैं। 100 यूनिट बिजली, 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो हो गया राजस्थान के अंदर, 1,04,00,000 लोगों का जीरो हो गया, 14,00,000 किसानों का बिल जीरो हो गया है 2,000 यूनिट बिजली फ्री करने से। क्या नहीं किया आप समझ सकते हो, हमने मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया राजस्थान के, शहरों में भी गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, नरेगा की तरह। देश में 2-3 राज्य होंगे जो ये गारंटी दी है, लागू कर दिया है। इस प्रकार से जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, जो फैसले हमने किए हैं, इसकी मेमोरी है, कानून ने पास किए हैं, उसके कारण राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर, कि राजस्थान के अंदर ऐसे स्कीम आ रही है, पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है स्कीमों की। 25 लाख का बीमा फिर कहना चाहूँगा, कोई मामूली बात है, और सबको है, लोग समझते नहीं है। बाकी राज्यों में 15% के, 20% के, 22% है पब्लिक कवर है 5 लाख बीमे से। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा भारत सरकार का है, खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट का, वो लोग कवर है। चिरंजीवी योजना में पूरा प्रदेश कवर है, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर पूरा पेश कवर। इतने में कहना चाहूँगा, अब मैंने ये जो माहौल बना देश के अंदर, उससे हमने भी तय किया है। मैं चाहता था प्रियंका जी गारंटी, आज हमारी 2 गारंटी थी, उनको प्रियंका जी के द्वारा हम घोषणा करवाएं। प्रियंका जी ने कहा नहीं, आप खुद घोषणा करो। इसलिए मैंने कहा चलो, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। हम चाहेंगे आपको, आज तक किया वो आपके सामने है, बाबा बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त लग जाएगा। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब कुछ किया हम लोगों ने।
निसज्जनों के लिए, विधवाओं के लिए। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी तो 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को, महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष 2 किस्तों में, वो तो हम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपये जो मिलेंगे स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, पेंशन देते हम लोग बुजुर्गों को 1,000 रुपये कर दी, मैंने पहले 500 रुपये थी, 750 थी, पति पत्नी है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए ये बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार सासू पैसा मांगते हैं बहू से कि मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, या दोता आएगा दोती आएगी तो मैं कुछ इनाम दूंगी उनको, और अगर बहू उसको तरजीह नहीं दे, सासू मांग रही है बहू मना कर रही है कि पहले पैसे नहीं मेरे पास में, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है, खाना नहीं खाता उसको। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी, उसको मालूम है बेटी आएगी दोती आएगी दोता आएगा, तो आराम से 50 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। सम्मान हो गया सासू जी का भी, बुजुर्ग महिला का भी, और साथ में घर में भी जो है पोते पोती छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के, मालूम है कि जेब में पैसा है, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, खाना खाओगी, इसलिए मैं सेवा करूंगा तो मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, मैं खर्च कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है, और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है, सब शर्तें हटा दी हमने, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, 1,000 रुपये मिनिमम दे रहे हैं हम लोग। और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा, 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि मैं 3rd-4th बार आया हूँ यहाँ पर, इंदिरा जी आई थी, राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी, ये अड़ाता का नाम ओला साहब के साथ जुड़ गया इस प्रकार से, और इतनी खुशी होती है जब चला उम्र पड़ा है प्रियंका जी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए उनको। मैं चाहूँगा कि वो हम सबको संबोधित करें, मैसेज दे राजस्थान के अंदर, अगली सरकार अगर आपका ये प्यार रहा, आपकी मोहब्बत रही, आपका विश्वास रहा सरकार पर, तभी जो बात चलती है कि साहब सरकार बदल जाती है 5-6 साल के अंदर, उस रिवाज को आप बदल दोगे, सरकार रिपीट करोगे, मुझे पूरे यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ओपीएस के लिए बात करके खत्म करता हूँ। ओपीएस लागू किया मैं कर्मचारियों के लिए, वो भी चार बन गया देश के लिए, ओपीएस आरजीएसएस हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए, वो भी शानदार है। आज केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, अभी रैली हुई थी रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश भर के कर्मचारियों की, हमने तय किया है ओपीएस को लागू रखेंगे, चाहे कोई बात हो जाए, खत्म नहीं करने वाले हम लोग।
धन्यवाद देंगे।